हेलो दोस्तों वेलकम टू कंप्यूटर टेक मैं हरी सेकनाई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आज के वीडियो में बात करेंगे देखिए सीएससी में न्यू फीचर्स आई हैं कि आप आधार जो है आप घर बैठे सुधार कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे अपडेट आई है यू कैन इजियली अपडेट डेमोग्राफिक डिटेल्स आप डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं आधार में क्या क्या सुधार सकते हैं वो देखिए नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस आप ऑनलाइन सुधार सकते हैं अपने आधार कार्ड में एंड ऑथेंटिकेट भाया ओ टी पी रिसिव्ड इन एस एम एस इन योर आधार जो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओ टी पी जाएगा ओ टी पी लॉग इन करने के बाद आप अगर नेम सुधारना चाहते डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं उसके लिए आपको पचास रुपये पेड करने पड़ेंगे आप अगर नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं उसके लिए आपको पचास रुपये पेमेंट पे करने पड़ेंगे तो देखिए आप पचास रुपये में घर बैठे जो है आप नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं आधार में तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई हैं आपको इसके लिए पचास रुपये पेमेंट पे करने पड़ेंगे इंजॉय इट्स बेनिफिट मेनी बेनिफिट इसका है यू कैन अपडेट डेमोग्राफिक डिटेल्स नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस ऑनलाइन एंड ऑथेंटिकेट बाई टी पी इन एन एस एम एस एस एम एस जो आएगा उसके थ्रू आप आप अपना चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लॉग इन कर रखा है तो देखिए यहाँ पे यू आई डी डॉट जी ओ वी डॉट इन इसका मेन साइट है देखिए यहाँ पे खुला हुआ है यू आई डी ए आई डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाएंगे यहाँ पे मेरा आधार आएगा यहाँ पे आप देखिए ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ई आधार डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है नामांकन अपडेट केंद्र में आधार उद्यन करें अपडेट डेमोग्राफिक एंड डेटा चेक स्टेटस यहाँ से आप जाके लॉग करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन आ जाएगा लॉग करने का यहाँ पे लॉग बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली आधार नंबर देन, देना है और एक कैप्चा दी गई है इस पर कैप्चा को फिल करनी है सेंड ओ पे क्लिक करना है जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओ जाएगा ओ डालने के बाद आपका जो है लॉग हो जाएगा ये आधार में यहाँ से आप जो है आधार को डाउनलोड कर सकते हैं अपना पी कार्ड जो है आधार को मंगवा सकते हैं अगर पी कार्ड चाहते हैं आधार कार्ड का तो वो आप मंगवा सकते हैं अपडेट आधार ऑनलाइन अगर सुधार करना चाहते हैं आधार में नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस तो यहाँ से आप कर सकते हैं पचास रुपये इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे अगर बैंक लिंकिंग स्टेटस देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं देखिए मेरा लिंक है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है यहाँ पे जेनरेट वर्चुअल आईडी अगर आपको वर्चुअल आईडी डी जनरेट करनी है तो इससे आप कर सकते हैं यहां से अपना बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं तो ये यह भी यहाँ पे सुविधा बहुत, बहुत, बहुत मतलब नई फीचर्स यहाँ पे दी गई हैं जिसकी तरह जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इतनी सारी सर्विसेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी लॉक अनलॉक आधार यहाँ से आप आधार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और ऑफ़लाइन ई के भी यहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपने सुधार करने के लिए पेमेंट किए हैं तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं और अगर यहाँ पे आप रिक्वेस्ट किए हैं नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस चेंज करने के लिए तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का वो दिखाएगा पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जिसके तहत आप घर बैठे अपनी सुधार कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आधार से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हैं हमारे प्ले जो है आधार है उस पर आपको कैसे डाउनलोड करना है कैसे पी कार्ड ऑर्डर करते हैं कैसे करेक्शन करते हैं कैसे बैंक लिंकिंग करते हैं कैसे वर्चुअल आई जनरेट करते हैं कैसे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक को करते हैं सभी पर आधार से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी अगर आप आधार से रिलेटेड बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो एक बार प्ले जो है हमारा आधार उस पर आप जाके विजिट करें और वीडियो को देखें तो ये था दोस्तों आज का अपडेट आई होप ये अपडेट आपके लिए रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक के लिए जय हिंद